आज हमारे भैया भाभी दोनों का शादी का एनिवर्सरी है, तो वो रहे हमारे दूल्हे राजा और ये रही हमारी दुल्हनिया जो कि भैया लेकर आ गए। बारात गया था आज के दिन, कल सुबह में आए थे तो भाभी का, तो भाभी पूरा एक साल के भी घूम के आए है ना बाहर से। काजी खूब मजा आया ना? बहुत मजा आया। कौन सा शहर करके आ रहे हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है गुरु नानक जयंती, तो आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे घर में बहुत बड़ी खुशियां आई थी आज ही के दिन, तो आप सब गेस कर सकते हैं। आज हमारे भैया बनने वाले हैं दूल्हे राजा और लेकर आने वाले दुल्हनिया को, तो तो टेंशन मत लीजिए। छोटे भाई की शादी नहीं हो रही अभी, अभी हुई थी बड़े भाई की शादी, जो कि भाभी आने वाली थी, लेकिन आने वाली थी उससे पहले आ चुकी है। तो आज हमारे भैया भाभी दोनों का शादी का एनिवर्सरी है, तो आप सभी ढेर सारा प्यार दीजिएगा इन्हें। और हम जानते हैं कि आज भैया भाभी के लिए बहुत खास पल है, जिसके लिए भाभी भैया सबको नहा धोकर पूजा पाठ कर चुके हैं। और घर में तबीयत किसी का ठीक नहीं था, तो इसलिए कोई बाहर नहीं जा पाए, तो वो घर में ही कर लिए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या होगा अभी कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो सब आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा क्या क्या होने वाला है। तो उससे पहले आप सभी मेरे भैया भाभी को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और बस भाभी का ये रहा लुक, और रेड में तो और भी ज्यादा सुंदर लगती है, तो वो तो आप कह रही है ना, जब उन लोग बोलेंगे तब तो देखिए। अब भाभी आप सबसे बहुत सारा पसंद करें, नहीं नहीं मुझे बहुत सारी गालियां मिलती है, लेकिन आपको तो बहुत सारा प्यार मिलता है। हम बहुत खुश हैं, मुझे जितना गाली देना है दे लो, बट मेरे घर वालों मेरे भाभी लोगों को बुरा मत बोलिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत हम बुरे हैं, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो बस ब्लॉग में बने रहिए, फिर आगे जो भी होगा आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। उससे पहले जा रहे फटाफट से, थोड़ा मोड़ा कुछ काम है और देखते हैं क्या आगे होगा। ऐसे तो बहुत सारा प्लान है, लेकिन अगर छोटा भाई रहता तो और भी ज्यादा ग्रैंड प्लान होता, लेकिन कोई है नहीं, तो भाभी थोड़ा सा मम्मी पापा हैं, बस ये है कि इनका भी कुछ तबीयत खराब है, तो इसलिए हम लोग बाहर भी नहीं जा पाएंगे ऐसी स्थिति में। और देखते हैं भैया भाभी घूम करा जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि भैया का तो प्लान बहुत बड़ा होता है, उनका हमेशा से प्लान था कहीं बाहर घूमने का। तो चलिए अभी सुबह का टाइम हो चुका है, फटाफट से भाभी और मुझे मिलकर किचन का थोड़ा बड़ा काम कर ले रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इधर भाभी किचन में आ गई हैं और हम लोग डायरेक्ट आज खाना ही बनेगा। और दूसरी तरफ मम्मी यहाँ पे दुकान का सामान आया है, तो वही माँ रखवा रही है। इधर बाबू भी उठ गए हैं सोकर, क्या माँ? तो इधर पापा और मम्मी साहब बाहर, इधर दुकान का सामान आया है, पापा बाहर रखवा रहे हैं। उधर साइड में रखवा दे पा, उसी में, इसमें नहीं हो पाएगा एडजस्ट। तो इधर कुछ कुछ सामान है जो कि यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, और इधर भी कुछ सामान है जो कि मम्मी इधर, इधर भी हमारा गलियारा है, तो मम्मी सारे इधर रखवाएंगे। पहले हम लोग दुकान में कुरकुरे आता था, तो खाने में कितना इंतजार करते थे ना जी, और अब तो मन ही नहीं करता है। पहले भाभी जो हम लोग दुकान में सामान आता, भाई बोलते ना कि पहले इतना मन करता ना कि जाएंगे तो खाली कुरकुरे लेके खाएंगे, लेकिन अब ऐसा हो गया यहाँ पे खाने का मन नहीं करता, देख के नहीं इच्छा करता है खाने के लिए। अब पहले ऐसे ही करते थे ना जी आप। आज चना साग, आज हमारे यहाँ साग चावल और भी कुछ बनेगा। भाभी आपके लिए चाय यहाँ पे है, बस तुरंत साग छान करके पी लेते हैं। हाँ पहले पी लीजिए चाय। तो बस वही देख कर मन करता था बहुत खाने के लिए, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मन नहीं करता है खाने का। लेकिन जब यहाँ से हम जब अपना घर चल जाएंगे वहां ना, तो वहां मार्केट से लेंगे ना, तो खाने का मन करेगा, और यहाँ पे है तो नहीं खाने मन करता है। ऐसे भी हमको नहीं खाना है वो चीज, क्योंकि नमकीन वगैरह भी बाहर का, बेसन वगैरह का भी नहीं खाना है, उसमें कुछ कुछ मिक्स होता है, इसलिए नहीं आ रहा है खाने के लिए। पर फिर भी कभी कभी मन करता है थोड़ा सा खा ही लेते हैं। इधर देखिए हम बैठ कर निकाले हैं पत्तल, इतना सारा निकाल दिए हैं पापा को दुकान पर ले जाने के लिए,
और इधर काफी में भी पैक हो गया है इधर सब। अब जा रहे हैं फटाफट से हम लोग नहा धो लेते हैं और मम्मी भाभी दोनों किचन में हैं, ये इनका साथ में खाना बना रहे हैं, पापा ना का हो आइए आइए बताइए। तो दोस्तों जस्ट अभी नहा कर निकले हैं, अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी और सोचे कि नहा लेते हैं, सबको घर में नहा लिए थे वो हम बाकी थे तो हम भी नहा लिए अच्छे से। और हमारे बाबू की सुबह भी नहीं हुई थी और जैसे ही हम नहा कर भी निकल रहे हैं तो इधर देखे दोनों लोग को बैठ कर क्या कर रहे हैं, दोनों को धूप ताप रहे हैं। बाबू गोलू आया मेरे सोनू आय 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 दोनों को रेड रेड लग रहे हैं ना, दोनों को रेड पहने, बाबू भी पहना है भाभी जी पहनी हुई है। आ तभी किचन में खाना बन रहा था और भाभी खाना हम नहाने चले गए थे, मम्मी बाहर में थी, अचानक बाबू लगे रोने उठकर तो भाभी उठा लिए गोदी में। अब थोड़ा सा हम भी धूप वगैरह ताप लेते हैं, ठंडा लग रहा है, धूप भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर बाबू को लेंगे क्योंकि बाबू को भी तेल मालिश भी नहीं हुआ सुबह, मम्मी कर दी थी सुबह में बाबू को, फिर बाबू सो गया था तो हम लोग फटाफट से इधर काम निपटा ली, इधर मेरा काम अधूरा ही रह गया तभी बैठ कर उसके बाद सब रखेंगे हम। तो ये भाभी देखते हैं किचन में क्या चला रहे थे जो बाबू को धूप में लेकर बैठे हैं, वो भी नहा कर धूप नहीं ताते थे। इधर बन रहा है हमारा आलू की सब्जी जो कि बहुत अच्छा लगता है हमको, मोटा मोटा आलू कटते हैं तो। और यहाँ पे मम्मी टमाटर कट करके रख दी हैं और इसमें टमाटर ऐड होगा तो बढ़िया खड़तुरस अच्छा लगा खाने में। और दूसरी तरफ इधर साग कट करके रखा हुआ है तो बस सब्जी बन जाएगा, उसके बाद हम लोग नाश्ता तो सब कर लेंगे क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, देखिए 10:30 बज चुका है। अभी सिर्फ पापा नाश्ता किए हैं, हम लोग खुद को सुबह में प्रसाद खा लिए थे, सबको ही खा लिए थे बस खाना वगैरह नहीं खाए थे। तो ये फटाफट जब जा रहे हैं बाल बाल झाड़ लेते हैं फिर उसमें बाबू को लेंगे तो भाई भी उधर किचन में बनाएंगे। तो दोस्तों अभी देखिए मम्मी यहाँ पे खा रहे हैं खाना, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए माँ। गुड मॉर्निंग, हाय आप कैसे हैं? तो आप सब भी आ जाइए मम्मी के साथ खाना खाने। चलिए खाना है तो काहे कि साग है, टमाटर के आलू के सब्जी बना लिए है, साग सीझल है, चना के गिनहारी के साग है। भाभी जी भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, बड़ी खाती है। कभी कभी ना खट्टा खाने का बहुत मन करता है ना भाभी, हमेशा टमाटर का चटनी ये सब चीज बहुत अच्छी लगता है खाने में। तभी भाभी मम्मी दोनों खाने जा रहे हैं, मतलब मम्मी थोड़ा सा खा रही है, भाभी भी खा रही है, भैया भी दुकान से नहीं आए हैं और बाबू भी जस्ट बाबू को दूध वगैरह पिला उला के फिर बाबू को भी हम दवा खिला दिए हैं, अब जा रहे हैं हम खाने के लिए। तो इधर देखिए चना साग उबलने के लिए डरा चुका है कढ़ाई में और दाल को भी कुछ अलग से बना था, साग कुछ मिक्स करके भाई बनाए थे मेरे खाने के लिए तो वही साग है। तो भी हम जाएंगे चावल साग और आलू टमाटर के साथ में सब्जी, बहुत यम्मी लगता है खाने में। तभी जा रहे हैं हम भी खाने, फिर बाबू उठ जाएगा तो फिर खाना नहीं देगा, ऐसे मम्मी का हो गया, मम्मी जाएगी तो फिर कर देंगी। तो बहुत दिन बाद सास पुत्र दोनों साथ में खाना खा रहे हैं, ऐसे मम्मी पहले खाती हैं तो भाई पहले खाते हैं, कभी भी भाई पहले खाते हैं तो मम्मी लेट से खाती हैं, जैसे जैसे जिसको खाने का मन करे बस खाते जाओ खाते जाओ, है ना जी। अभी जा रहे हैं हम खाने के लिए। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था आपके साथ ब्लॉग शेयर करने का क्योंकि हमने बंद कर दिया था ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन हस्बैंड जी का कहना है कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आपका काम है ब्लॉग करना तो हम लोग का जो बिजनेस है जो काम है वो तो करेंगे ही। तो दोस्तों फाइनली अभी भाभी यहाँ भैया को खाना वाना दिए हैं और आप सबके मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ना कि जो हमारे दूल्हे राजा है मतलब मेरे बड़े भैया उनकी दुल्हनिया कौन है, दिन की यही दुल्हनिया है भाई, छोटे भाई की भी नहीं है। बहुत लोग करते कि नहीं ये तुम्हारा जो भाई है हम लोग कभी देखे नहीं है मिले नहीं है, तो इतना बड़ा ब्लॉग में शेयर किए हैं आप सबके साथ में फिर भी आप लोग भूल जाते हैं, तो वो रहे हमारे दूल्हे राजा और ये रही हमारी दुल्हनिया जो कि भैया लेकर आ गए। तो आज के दिन तो नहीं, आज मतलब बारात गया था आज के दिन, कल सुबह में आए थे तो भाभी का। तो भाभी पूरा एक साल आपको कैसा लगा हमारे घर में? बहुत अच्छा, पता ही नहीं चला कि कैसे चल गया एक साल, हमको खुद पता नहीं चला हम एक साल यहाँ है। तो बस हमारे जो साथ में बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी थी पूरी फैमिली के साथ में, तभी मम्मी उधर बाबू को संभाल रहे हैं। तो चलिए बस अभी देखते हैं भैया क्या क्या डेकोरेशन करते हैं, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, अभी शाम तक क्या क्या होगा वो सब आपके लिए सरप्राइज है। तो बस ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है और जो चैनल पर नया होगा ना सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग का आप सबको इंतजार भी रहेगा।
दोस्तों अभी हो चुकी है दोपहर का टाइम और अभी हम लोग खाना वाना सब कुछ खाने जा रहे हैं। दोपहर से भी ज्यादा हो गया है और इधर बन रहा है कत्था जो कि मम्मी भी चढ़ा दी है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उबाल ना आ जाए। बिल्कुल चाय के साथ दिखता है लेकिन ये पान में लगता है। दुकान पे जाने के लिए बना रहे हैं और आज मम्मी बना रहे हैं इधर साग को पीस रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पीसन वाला साग बन रहा है। वाह मम्मी साग। हेलो साग के सारा है चना के पालक नहीं था तो इसे भाप दिए तो देखा शुरू दिखा दे रहा है। तो इसमें मम्मी भी डालेंगे। देखिए मिर्च है लहसुन है और नमक भाभी उबालते समय डाल दिए थे। तो सिनोट का ना पिसा हुआ साग बहुत अच्छा लगता है और हम यहाँ पे आते हैं तो सिनोट का साग भी मम्मी से पिसवा कर खाते हैं अच्छा भी लगता है। और इधर डलाया है काबली चना। शाम की तैयारी होगी कुछ कुछ बनाने के लिए। अब इधर पापा जी बैठे हुए हैं। अभी पापा को खाना वाना मम्मी देंगी दोपहर में और पापा का चल रहा है टीवी क्योंकि पापा के पास भी टाइम नहीं मिलता है ना। तो जब भी मूड करता है पापा भी टीवी चालू करके और पापा को सीआईडी बहुत अच्छा लगता है। पापा हमेशा सीआईडी ही देखते हैं और बाबू और भाभी थोड़े से भी जस्ट आराम कर रहे हैं क्योंकि बाबू को खिलाते खिलाते बाबू भी सो गया और भाभी भी सो गई। इधर देखिए बाबू को मजा आने लगा दिए है। इधर हमारी भाभी श्री सोई हुई है। तभी हम उसकी फटाफट उनको भी उठा देते हैं। उठा कर सबको मिलकर हम लोग खाएंगे साग चावल और आलू की सब्जी। इधर मम्मी सब्जी इधर धनिया पत्ता ऐसे कर रहे हैं और मम्मी और भाभी दोनों को बैठ के इतना हंस रहे थे। अभी दिखाते हैं भाभी को क्या कर रहे हैं। कुछ सुबह से इनका दांत बाहर ही है। देखिए इधर कहे जी कल दांत बाहर है जी। और इधर कुछ बनने की तैयारी हो रही है। तो क्या बना रहे हैं भाभी जी? कचौड़ी बना रहे हैं और छोला और अभी डिसाइड नहीं हुआ है और बाकी अभी डिसाइड नहीं हुआ है। चलिए तो कुछ कुछ तैयारियां हो रहा है अभी साथ में हम भी हेल्प कर दे रहे हैं। दिखाइए आज मम्मी भी कम नहीं हंसा रही है भाभी को और भाभी भी हंसे जा रहे हैं। कहे कि भी घूम क्या है ना बाहर से काजी खूब मजा आया ना? बहुत मजा आया। कौन सा शहर करके आ रहे हैं? तो हमारी भाभी का स्टैंड आज सबको बैठ के ना बहुत हंसे जा रहे हैं क्योंकि सबको भी बहुत खुश भी है। मेरा लगन था। देखिए देखिए कितना इनको हंसी आता है। तो बस ये अभी आज का ऐसा दिन था पिछले साल जो हम लोग का कोई भी ये भी बारात निकला था। अभी इस टाइम निकला भी नहीं था सब तैयारियां हो रही थी और आज ऐसा दिन है माहौल की आज हमारे घर में ये देखिए मैडम आ चुकी हैं। इसे इनको हंसी आ रहा कि माँ अभी हम नहा धो रहे थे ना जी। हाँ। सच ने संवरने के लिए तो भाभी में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो सुंदर गोरी गोरी है अभी तक वही गोरी है। मम्मी में थोड़ा सा बदलाव हो गया है। मम्मी थोड़ा सा चेंज हो गई है क्योंकि घर में बहू आने के बाद वैसे भी माँ का चेहरा डल हो ही जाता है। अरे अब कोई हिम्मत कैसे हो मम्मी को बूढ़ी करने का? डर लगता है ना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग पूरा मस्ती भरा था और आज भाभी ने मम्मी को बूढ़ी कर दिया। बिल्कुल हो नहीं सकता है ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन कह दिए। चलिए सॉरी बोलिए मम्मी को। सॉरी मम्मी। एक बार मेरे से भी साइन हुआ था। भाभी कह देते मेरे हस्बैंड मम्मी बूढ़ी रही है तो सबके सबको माँ को बहुत दया आता ही है हर किसी को। तो हम भी सॉरी बोल रहे भाभी से वही काम हम करवा दिए। तो चलिए अभी आँख में सबके आंसू भी आ गए। भाभी की आंखों में भी आंसू आ गए हंसते हंसते। आज मम्मी भी बहुत ज्यादा उसे देखिए कैसे कर रहे हैं। तो बस दोस्तों आप सबका प्यार सपोर्ट ऐसे ही हमारे फैमिली के ऊपर बना रहे हैं। मायका या ससुराल सब जगह बहुत अच्छे से हो जाए क्योंकि कहते हैं ना घर में खुशियां आती है तो सबके चेहरे पे स्माइल होता है और सबके स्माइल होता है। तो आप सभी बहुत सारे भर भर के कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मस्ती मजाक तो बना ही रहेगा। पूरी फैमिली बहुत ही खुश है।
तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में क्या क्या तैयारी हो रही है, क्या डेकोरेशन हो रहा है, वो सब का आप इंतजार कीजिए। आई होप दोस्तों आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किनों किन को हमारे भैया भाभी की जोड़ी पसंद है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।